हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप रिसेंटली ये देख ही रहे हो न्यूज़ पे कि असम गवर्नमेंट ने फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। और ये न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम असम के बारे में बात करते हैं कि असम का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, उसके पहले बात कर लेते हैं। असम की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 26 जनवरी 1950 में असम इंडिया का पार्ट बना था। और ये भी देख सकते हो इसका कैपिटल आपका दिसपुर है। और डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो 33 है। लार्जेस्ट सिटी आपका क्या है, गुवाहाटी। इवन गवर्नर कौन है, लेजिस्लेचर क्या है, पार्लियामेंट क्या है, इवन चीफ मिनिस्टर भी आप देख सकते हो हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है, जो बीजेपी के, जो 10 मई को बने थे, ठीक है इन्हों, ठीक है। और असम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है। और असम की बात कर रहे हैं तो असम को, असम दो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, एक आपका भूटान, दूसरा बांग्लादेश। और असम आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर का पार्ट है। जब इसकी बात कर ही रहे तो आपको पता होना चाहिए 22 किलोमीटर का है ये, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए ये आपका नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इसके सब पार्ट हैं। और ये आपका 1965 में बना था, ठीक है। और असम में दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप यहाँ पर देख सकते हो, काजीरंगन वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही गेंडा पाया जाता है, ठीक है। कुछ इसके डिटेल्स हैं यहाँ पे देख लो। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि मानस आपका ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कब बना था, 1985 में बना था, ठीक है। और ये भी देख सकते हो ये आपका टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंस है ये देख सकते हो। इवन यहाँ पे गोल्डन लंगूर भी पाए जाते हैं, गोल्डन लंगूर का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कुछ डिटेल्स यहाँ पे है। और यहाँ पे देख लो ये आपका IUCN कैटेगरी 2 में मानस नेशनल पार्क आता है, ठीक है। और असम में 4 रिफाइनरीज हैं, और सबसे बड़ा आपका डिगबोई रिफाइनरी है, ठीक है, इसके डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका 1901 में बना था, ठीक है, चलो। और यदि आपका स्टेट लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हो डांस क्या है, बर्ड क्या है, मैमल क्या है, फ्लावर क्या है, ट्री क्या है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे एक बार रीड कर लो। और ये भी देख सकते हो वहाँ असम में ना एक चीज़ को लेके बहुत डिस्प्यूट होते रहता है, बोडोलैंड। बोडोलैंड का सिंपल लैंग्वेज में बात करें जो एक डिस्प्यूट होते रहता है दो कम्युनिटी के बीच होके, यहाँ पे देख सकते हो बोडोलैंड के बारे में दिया है और असम, ठीक है। बोडोलैंड चाहता है कि बोडो एक अलग स्टेट बने, यही दोनों को बीच को लेके असम के गवर्नमेंट और बोडोलैंड के बीच में डिस्प्यूट चलते रहता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देख लो। और ये भी देख सकते हो 2003 में क्या एग्रीमेंट पास हुआ था, ठीक है, चलो। और यहाँ पे देख सकते हो आज़ादी के पहले कौन कौन CM थे असम में, ये भी देख सकते हो। और आज़ादी के बाद आपका विष्णु राम मेदी, ठीक है, 9 अगस्त 1950 में बने थे। और यहाँ पे देख सकते हो अभी आपके हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, ठीक है, जो 15 चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, ठीक है। और ये आपके बीजेपी के मेंबर हैं, इन्होंने ही, यहाँ पे आप देख सकते हो अजंता नोग, ठीक है, ये फर्स्ट फीमेल असम की फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। और ये आप यहाँ भी देख सकते हो सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विस फीमेल लेजिस्लेचर ऑफ असम, और ये भी बीजेपी की है, बीजेपी से है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 10 मई को 2021 को बनी है। और यहाँ पे देख सकते हो MLA ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ असेंबली की है, आप यहाँ पे देख सकते हो।
कुछ इनके डिटेल्स हैं, और ये भी देख सकते हो इन्होंने एमए कंप्लीट किया है, और इन्होंने इनके पास लॉयर की डिग्री भी है, इनके दो बच्चे हैं, और कुछ इनके डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है चलो। और इन्होंने 2020 में बीजेपी ज्वाइन किया था। यदि फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है चलो बाय।